हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी गेट पर या दीवार पे चढ़ाने के लिए कोई समर की फ्लावरिंग वाइन हो चाहिए हो तो ये वाइन लगाएं। ये मधुमालती की वाइन, ये सबसे बेस्ट वाइन है, मैंने अपने गेट पे लगा रखी है और इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं कि आपको दिखाने का मन कर गया, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए, पूरा भर गई है बाहर से भी और अंदर से मैं ये शूट कर रही हूँ। तो देखिए, इसके लटकते हुए फ्लावर्स इतने खूबसूरत दिखते हैं। ये देखिए, पूरा फ्लावर से ये भरी हुई है। तो ये मधुमालती की बेल है, इसे रंगून क्रीपर भी बोलते हैं, लेकिन कॉमनली इसे लोग मधुमालती के नाम से ही जानते हैं। इस तरीके से इसमें फ्लावर्स गुच्छों में लटकते हैं, आप पास से दिखाती हूँ। देखिए, इसमें अभी बार फ्लावर्स फ्लावर्स ही भरे हुए हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, समर भर ये भरा रहेगा। और देखिए, मैंने इसको ज़मीन में लगा रखा, बहुत ब्रांचेस निकलने लगती हैं, पुराना पेड़ भी हो गया है काफ़ी और ये कटिंग से भी लग जाता है। मैंने यहाँ कोने में लगा रखा, कुछ भी मैं इसकी विशेष देख रेख नहीं करती हूँ। और मेरे पूरे गेट पे ये मेरा किचन गार्डन है, तो इस पर पूरे चढ़ गए हैं। ये मेरा महल का पेड़ है और आपको मैं दूसरी वाइन दिखाती हूँ। दूसरी फ्रेंड्स, ये मैंने टिकोमा की वाइन लगा रखी है, ये ऑरेंज है, इसमें ट्रम्पेट वाइन भी बोलते हैं। ये भी मैंने इसी बाउंड्री वॉल पे लगा रखी है, अंदर से ज़मीन पर लगाई है। और देखिए, इसमें भी कुछ से फूल लगते हैं, पूरे फैल जा रही है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। मैंने अपने इधर की किचन गार्डन की बाउंड्री वॉल पे सब येलो वाली ही प्लांट लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, कोई केयर नहीं है, बस जमीन में लगी हुई है और ये ऊपर चढ़ती चली जा रही है। दूसरी एक मैंने अब की बार बिगोनिया की भी लगाई है, ये सर्दियों में फ्लावरिंग करेगी। बिगोनिया की बहुत अच्छी है वाइन,